इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न एथ स्टैंडर्ड हिंदी दूसरी का लेसन नंबर 5 खेती से आई तब्दीलियाँ। इसमें मैं आपको बताने वाली इसका क्वेश्चन आंसर डाइजेस्ट का है पूरा, एक्चुअली ऑलरेडी बनाया हुआ है लेकिन एक स्टूडेंट का दो तीन स्टूडेंट का कमेंट है कि मिस क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैंने वापस से इसके फोटोज़ लिए और क्लियर एकदम से यहाँ पे ले लिया है। फर्स्ट थिंग की आपको वीडियो 480 या 360 रेजोल्यूशन पर देखना है, अगर इससे भी कम में आप देखोगे तो क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, पहले तो मुहावरे यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे समझाते भी चलती हूँ, उसमें तो मैंने बहुत अच्छे समझाया है बट वो थोड़ा सा ब्लर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुहावरे और अर्थ उसका, खाली हाथ रहना यानी पास में कुछ ना होना, सिर खपाना यानी बहुत बुद्धि लगाना, पसीना बहाना यानी कड़ी मेहनत करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है पैसेज और उससे रिलेटेड यहाँ पे टफ वर्ड्स के मीनिंग। चलो यहाँ पे देखते हैं आंसर, तब्दीलियाँ का मतलब क्या होता है, परिवर्तन यानी बदलाव, चेंजेस, गुजर बसर यानी जीविका, बोलते ना गुजर बसर कर रहे हैं तो यानी जीविका चला रहे हैं अपना, जीवन रोजी रोटी कमाना, पेशे रोजी रोटी कमाना नहीं मतलब रोजी रोटी, पेशे यानी काम, पेशा ऑक्यूपेशन, कस्बा यानी गांव से बड़ा और शहर से छोटी बस्ती, आबाद यानी बसा हुआ पूरा, चरागाह यानी जानवरों के चरने की जगह जहाँ पे जानवर घास चरते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि मिस लिखना कैसे है, इवन 8th स्टैंडर्ड में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, 9th स्टैंडर्ड के भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं समझ में आ रहा है लिखना कैसे है। 9th में मुझे एक दो कमेंट ऐसे आए कि जो मुझे वापस से वीडियो बनाना पड़ा और समझाना पड़ा कि जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया होता है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये जो आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं ये चार, इसको भरने हैं, तो भरा हुआ आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये रहा उसका आंसर। खेती, मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ क्या क्या है, काम कई हिस्सों में बट गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे, गाँव और कस्बे बने, लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे, ये ओहर है तो और आएगा, ठीक है, लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे, तो यहाँ पे आंसर देख लो इसका। उसके बाद ये क्वेश्चन है, कारण लिखिए, मनुष्य को रोज़ शिकार खेलना पड़ता, क्यों शिकार खेलना पड़ता था उनको, पहले लोगों के लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, क्या रीज़न है इसका, तो अब इसका आंसर देखो यहाँ पे है, ये जो अंडरलाइन में ये आंसर है यही पहले वाले का आंसर है और सेकेंड वाले का ये जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, अच्छे से आंसर देख लो। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम का विभाजन इनमें हुआ, किसमें हुआ, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे है, काम का विभाजन इसमें इनमें हुआ, मर्द और औरत में। अब यहाँ पे ब्राइटनेस ऑलरेडी है तो मैं थोड़ा कम कर देती हूँ यहाँ पे ब्राइटनेस, नहीं तो आँख ही चुभने लगेगी आपकी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए, औरत घर में रहकर बच्चों और बूढ़ों की निगरानी करती होगी, इन जानवरों को चराने के लिए खेतों की जरूरत थी। अब सही विधान आपको बनाना है, सही करना है, तो देखो यहाँ पे है राइट ऑप्शन, ठीक है, पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी और दूसरा यहाँ पे चरागाहों की, यानी क्या चेंजेस हुआ यहाँ पे इन जानवरों को चराने के लिए खेतों की ज़रूरत थी, नहीं उसकी जगह पे क्या आएगा, चरागाहों, और यहाँ पे क्या आपको देख रहे हो, तो बूढ़ों की निगरानी की जगह क्या आएगा, पालतू जानवरों की निगरानी, ठीक है, ये इसका आंसर है, इसका आंसर ये है, सेकेंड का आंसर ये है, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं समझाने की जरूरत होती बट कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है तो उनके लिए मैं इसलिए एक एक करके समझा दे रही हूँ ताकि आपको वर्कबुक में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, तो देखो जानवरों को चरने की जगह हमने बार बार देखा उसको क्या बोलते हैं, चरागाह, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, इनके शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए, तो ये देखो चार दिए गए हैं, अब चारों का आंसर यहाँ पे दिया गया है, मुश्किल उसका क्या है, आसान, उल्टा एकदम ना, विलोम शब्द का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थी, ठीक है, सबका आंसर यहाँ पे है, देख सकते हो आप। अब हम देखते हैं परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म, तो चार शब्द युग्म बताना है, तो गुजर बसर इधर उधर जिसके बीच में ये हाइफन चिन्ह दिखिए, योजक चिन्ह दिखिए, वही क्या होता है, शब्द युग्म होता है, तो ये चारों का आंसर किधर है, ये चार है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, मैं आंसर को एकदम से जूम इन करके बता देती हूँ ताकि अगर थोड़ा मोड़ा भी आपको ब्लर लगे तो कोई दिक्कत ना हो लिखने में वर्कबुक में। अब यहाँ पे स्वमत व्यक्ति जो कि 2 मार्क्स के लिए आता है, यहाँ पे देख लो क्या बोला गया, कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोगों से होने वाले लाभ लिखिए, तो कृषि क्षेत्र यानी खेती में नए नए जो प्रयोग होते हैं उनसे क्या लाभ है, तो यहाँ पे देखो आंसर्स ये है, कृषि का मानव जीवन में विशेष महत्व है, यानी खेती का बहुत महत्व है, कृषि ही मानव विकास का पहला सोपान था, यानी पहला वही उनका सोपान यानी जीवन जीने की जो सबसे सही जगह थी, सबसे उनका जो व्यवसाय था, सोपान यानी व्यवसाय जो था, कृषि में नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं, अभी हम देखते हैं नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो, और भी यहाँ पे आंसर है उसके।
उत्पादन में वृद्धि हो, कृषि के भिन्न रूपों की पहचान करना, नई फसलें उगाना जैसे औद्योगिक कृषि, औद्योगिक यानी आधुनिक, औद्योगिक यानी जैसे कि आजकल हम कैसे देख रहे हैं आधुनिक खेती कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो सघन कृषि यहाँ पे जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है, ठीक है, डॉट जो दिख रहा है। सो यहाँ पे आंसर्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है एकदम से, बिल्कुल भी ब्लर नहीं है ये। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। और ऐसे ही अगर आपको कोई भी वीडियो लगे कि जो नहीं आपको हेल्पफुल नहीं है, नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, तो आप बताइए मुझे, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। पहली चीज़ तो आपको वीडियो 480 पे देखना होता है, 360 पे देखना होता है, उससे कम में देखोगे तो ये पेजेस हैं क्लियर नहीं दिखते, ये पेजेस, ये पैसेज दिया गया है उससे रिलेटेड, यहाँ पे जो टफ वर्ड्स हैं वो यहाँ पे हैं। अतिरिक्त यानी ज़रूरत से अधिक, निपट यानी एकदम। अब देखो यहाँ पे कारण लिखिए, दो यहाँ पे दिया गया, अनाज सुरक्षित रखना आरंभ हुआ, इसका क्या कारण है, सारी जाति को एक दूसरे जगह जाना पड़ता था, इसका क्या कारण है, तो आंसर यहाँ पे देखो दिया गया है, पहले का ये रहा, ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरे का, दूसरा ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वाक्य पूर्ण कीजिए, ये पहले का देखो यहाँ पे है, चलिए मैं आपको पहला आंसर यहाँ पे अच्छे से दिखा देती हूँ, क्लियर है यहाँ पे। अब जो ये दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ण कीजिए, यहाँ पे बस आपको पूरा करना है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे भी है, देखो बस अंडरलाइन जो है वो आंसर है, ठीक है, ये रुपए है, रुपए, सारे आंसर्स देख लीजिए एक बार यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए, तो यहाँ पे देखो दिया गया आंसर, क्रमानुसार यानी ऑर्डर में लिखना है, तो ये चार दिए गए हैं, अब इसको ऑर्डर में आपको करना है, तो देखो यहाँ पे ऑर्डर में किया हुआ है ऑलरेडी, देख लीजिए आंसर क्लियर है एकदम, मुझे नहीं था कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और आपका एथरन का ग्रामर एंड मैथ्स भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए आपके सारे सब्जेक्ट के, पर्यायवाची इसके बताने और इसका, इन सब के वचन और इन सब के पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी सेम मीनिंग और वचन बदलना यानी जेंडर चेंज करना। तो देखो जैसे जाति से जातियाँ, वचन सॉरी वचन ये लिंग नहीं है, सॉरी वचन यानी एक वचन बहुवचन, वो एक वचन अनेक वचन, तो जाति से जातियाँ, जमीन अगर एक वचन है तो जमीने बहुवचन है, चीज़ें बहुवचन है तो चीज़ हमने उसका कर दिया, यहाँ पर दिया हुआ है ना। और इन सब का देखो तो जानवर को हम पशु भी बोलते हैं, खेती को कृषि, गांव को ग्राम, शहर को नगर, तो ये हो गया हमारा पर्यायवाची। और ये देखो यहाँ पे, ये देखो जाति का जातियाँ, जमीन का जमीने, जिंदगी का जिंदगियाँ, चीज़ें का चीज। खेती के कारण मनुष्य के जीवन में आए परिवर्तनों को अपने विचार विषय, परिवर्तनों के विषय में अपने विचार लिखिए, तो यहाँ पे देखो दिया खाना बदोश यानी कैसा, यहाँ वहाँ भटकने वाला जो यहाँ वहाँ होते हैं, ठीक है, सॉरी मतलब कि जो यहाँ वहाँ भटकते हैं खाने की तलाश में और यहाँ वहाँ शेल्टर की तलाश में, तो वे लोग भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, उन दिनों का जीवन सचमुच बहुत कठिन था, लोग क्या करते थे, फल फूल या जंगली पौधों पर ही जीवन निर्वाह करते थे यानी जीवन बिताते थे। ओके तो यहाँ पे देखो दिया गया है, भंडारण का मतलब होता है जमा करना, भंडारण करना से यानी जमा करना, कलेक्ट करना, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो, उत्पन्न होने के कारण, अधिक अनाज उत्पन्न यानी उगने के कारण। और यहाँ पे मुझे कोई कठिन शब्द नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लो, अब मैं आपको पूरा आंसर एक साथ में यहाँ पे शो कर दे रही हूँ ताकि आप पूरा भी देख लो, और ज़ूमिन करके तो मैंने आपको दिखाई दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज और उससे रिलेटेड टफ वर्ड्स की मीनिंग, सबब यानी कारण, पर्याप्त नहीं काफ़ी, एक बार यानी एक समय पर, मालदार यानी धनवान। अब यहाँ पे देखो ये दिया गया है, उस ज़माने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास थे क्या क्या, तो ये देखो गाय, भेड़े, ऊँट, अनाज, ये सब जिसके पास थे उसे अमीर कहा जाता था,
कारण लिखिए, दुनिया में गरीब आदमी है, दूसरा है लोग बैंक में रुपए रखते थे। हम दोनों, इन दोनों के कारण क्या है? क्योंकि दुनिया में बुरा इंतजाम है ना, और दूसरा क्या है? क्योंकि उनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, लोग बैंक में रुपया रखते क्योंकि उनके पास बहुत सा रुपया है। यहाँ पे देखो, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना पचा खा बेच, इन तीनों में से क्या आएगा? पसीना, पैसा, खून, इन तीनों में से क्या आएगा? तो इसका आंसर देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये खा आएगा और पसीना आएगा, आंसर ये होगा। और ये देखो, सत्य सत्य बताना है तुम्हें। मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं सत्य, और ये दूसरा क्या है? असत्य है। ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये रहा उसका आंसर। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? तो ये देखो, मालदार, ये रहा आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशेषण ढूंढकर लिखने, कितने? चार। विशेषण यानी जो संज्ञा की विशेषता बताए। अब संज्ञा क्या होता है? और तीसरा क्वेश्चन क्या है? खेती, आदमी, जरूरत, पसीना, इन सब का लिंग पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पे देखो, पहला तो यह, ऐसा, मालदार, गरीब, ये सब क्या है? विशेषण है। और खेती स्त्रीलिंग है, आदमी पुल्लिंग है, पसीना पुल्लिंग है, हम बोलते हैं पसीना बह रहा है, ऐसा नहीं बोलते पसीना बह रही है, पसीना निकल रहा है, नहीं बोलते पसीना निकल रही है, इसीलिए वो पुल्लिंग है, ठीक है। जरूरत, ठीक है, तो जरूरत क्या है? स्त्रीलिंग। स्वमत व्यक्ति, देखो 2 मार्क्स के लिए आता है। जीवन में बचत का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है? बचत का महत्व, बहुत है बचत का महत्व, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। निरंतर यानी लगातार, प्रयासरत यानी प्रयास करते रहता है, और यहाँ पे कठिन शब्द क्या है? कठोर परिश्रम यानी हार्डवर्क, और मुझे यहाँ पे कोई कठिन शब्द नहीं दिख रहा है। आकस्मिक यानी सडनली, अचानक विपत्ति के समय, आकस्मिक जो अचानक से आ जाए। राशि यानी आपको पता ही है, पैसा, देख लो इसका आंसर, यहाँ से देख लेते हैं। व्याकरण और भाषा ज्ञान देख लेते हैं। वाक्य शुद्ध करके लिखना है। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? तो यहाँ पे देखो क्या शुद्ध करना है, ना तो यहाँ पे फुल स्टॉप था, ना तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ पे किया हुआ है। सेकंड देखो, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, तो ये देखो यहाँ पे कॉमा है। तुम्हारे दाने कहाँ हैं, ये तो क्वेश्चन मार्क सीधा सीधा आएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तंबाकू सेवन से दुष्परिणाम, इस विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। अब यहाँ पे देखो, बहुत सही है, यहाँ पे बहुत सही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसका आंसर यहाँ पे देखिए, आप ऐसे भी देख लीजिए, उसके बाद मैं एक साथ पूरा आंसर बता दूंगी। ये देखिए यहाँ पे और इधर भी, एकदम क्लियर स्टूडेंट्स। एकाक वर्ड्स कहीं कहीं पे ब्लर होंगे तो होंगे, नहीं तो सारे क्लियर हैं। मुझे लग रहा है ये मैंने तीसरा वीडियो बना दिया है, इसके पहले भी शायद 2 बार या 1 बार बन चुका है। एक बार तो बनाई है, जिसमें मुझे कमेंट आया है बच्चों के कि ब्लर है करके, ज़्यादा ब्लर तो वो भी नहीं है, बट फिर भी मैंने बना दिया यहाँ पे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिए, और इसी तरीके से कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट बताइए। आपको कोई भी राइटिंग स्किल चाहिए, ओके, या फिर ग्रामर से रिलेटेड, चाहे कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी राइटिंग स्किल, कोई भी, आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन या कुछ भी, आप मुझे कमेंट कीजिए, बन जाएगा।